हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो डिस्कस करते हैं हमें पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन जो होगा इस वीडियो में वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर। अब तक हमने जो भी क्वेश्चन करे थे उसमें एक तो ये डेनोमिनेटर जो है वो हमारा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, मतलब डेनोमिनेटर में जो भी हमारा लीनियर फैक्टर होगा वो रिपीट नहीं होगा। बट यहां देख रहे हम कि ये लीनियर फैक्टर डेनोमिनेटर में नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसे क्या बनाना होगा, लीनियर बनाना होगा। लीनियर के लिए इस स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर, इसको क्या बनाना होगा, सिंपल लीनियर, यानी एक्स के फॉर्म में या किसी के भी फॉर्म में जो लीनियर हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें पुट करना होगा, पुट एक्स इक्वल टू वाई। अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर टू वाई पुट किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, वाई प्लस वन, वाई प्लस टू, वाई प्लस थ्री, वाई प्लस फोर, ये बन गया। अब सिमिलरली जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a ओवर में हमारा क्या हो जाएगा y प्लस टू, प्लस बी ओवर में क्या हो जाएगा y प्लस थ्री, प्लस सी ओवर में क्या हो जाएगा हमारे पास y प्लस फोर। अब सिंपली क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे और किसको कंपेयर करते हैं हमेशा, न्यूमिनेटर को। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ पहले y प्लस वन ओवर y प्लस टू, y प्लस थ्री, y प्लस फोर इक्वल टू एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा, ए के नीचे y प्लस टू है तो एलसीएम हमारा ये आता है, तो ए के नीचे जब y प्लस टू आ गया तो क्या बच गया, ये दोनों बच गए, तो y प्लस थ्री, y प्लस फोर, प्लस बी के नीचे क्या है, y प्लस थ्री, तो y प्लस थ्री तो नीचे है ही, क्या बच गया, y प्लस टू, y प्लस फोर, तो y प्लस टू, y प्लस फोर, प्लस सी, एलसीएम लिया y प्लस फोर तो है, बच क्या गया, y प्लस टू, y प्लस थ्री अपॉन एलसीएम y प्लस टू, y प्लस थ्री, y प्लस फोर। किसको कंपेयर करना होता है, इन दोनों को, इन्हें, न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर को। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ डायरेक्टली इन्हें कंपेयर करने के लिए, तो मैं इसके डेनोमिनेटर को यहाँ रफ कर देता हूँ। इतना तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये आ गया आपके पास y प्लस वन इक्वल टू a इंटू ए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली अगर मैं वैल्यू पुट करूं y की तो a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को जीरो बनाना होगा, जीरो के लिए y की वैल्यू पुट करनी होगी, y की वैल्यू पुट करने के लिए सिमिलर देखना होगा। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली पता चल रहा है कि किसी ना किसी दो में ये दो जो आपके पास लीनियर फैक्टर है वो कॉमन आ रहे हैं, जैसे ए और बी में y प्लस फोर, बी और सी में हमारा y प्लस टू, और ए और सी में हमारा y प्लस थ्री कॉमन आ रहा है। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हम ए, बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ए की वैल्यू निकालता हूं, तो बी और सी को जीरो, तो बी और सी में कौन सा लीनियर फैक्टर कॉमन आ रहा है, y प्लस टू, तो यहाँ प्लस टू है तो मुझे y इक्वल टू कितना रखना होगा, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो, तो y इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस टू। तो यहाँ माइनस टू प्लस वन इक्वल टू a इंटू माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस फोर, प्लस b, यहां तो ये पूरा जीरो हो जाएगा आपके पास, क्योंकि माइनस टू प्लस टू जीरो, तो इसके पूरे को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को जीरो बना चुका हूं तो इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सोल्व किसको करना है, इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ऑलवेज ग्रेटर संख्या का आता है, तो ग्रेटर क्या यहाँ टू, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन इक्वल टू में यहाँ प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, तो टू में से थ्री में से टू गया वन, तो a इंटू वन इंटू फोर में से टू गया टू। नाउ टू को वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा,
टू और टू को ए से करूंगा तो टू ए, तो माइनस वन इंटू टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी निकल गई, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड, तो माइनस वन बाय टू, तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस वन बाय टू। सिमिलरली अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू के लिए क्या करना होगा, ए और सी को जीरो बनाना होगा, तो ए और सी में क्या कॉमन है हमारे पास वाई प्लस थ्री, तो वाई इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस वन, यहाँ माइनस थ्री प्लस वन, ये वाला पोर्शन तो जीरो क्योंकि माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, पूरा जीरो बन जाएगा। सिमिलरली वैल्यू क्या पुट करनी होगी यहाँ, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस टू माइनस थ्री प्लस फोर, ये तो पूरा जीरो क्योंकि माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो, सब पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब बात है यहाँ सोल्व करने की, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू बन जाएगा क्योंकि तीन में से एक या दो साइन बड़े वाले का आता है, यहाँ क्या आएगा बी माइनस वन आ जाएगा ना क्योंकि तीन बड़ा है, सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया माइनस टू और वन को वन से वन लेकिन माइनस, तो माइनस बी, अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास, बी की वैल्यू क्या आई टू, तो बी इक्वल टू टू। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, सी की, तो ए और बी को क्या बनाना होगा जीरो, तो ए और बी में क्या कॉमन है वाई फोर, वाई इक्वल टू माइनस फोर, तो माइनस फोर प्लस वन, ये तो पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो क्योंकि माइनस फोर प्लस फोर जीरो, पूरा जीरो। सिमिलरली माइनस फोर प्लस फोर पूरा जीरो, तो बच क्या गया हमारे पास सी, सी इक्वल टू माइनस फोर प्लस टू माइनस फोर प्लस थ्री, क्या हो गया यहाँ माइनस थ्री आ गया, सी इंटू माइनस टू माइनस वन आ गया, मल्टीप्लाई में जब भी दो संख्या माइनस में होती है तो वो अपने आप प्लस हो जाता है, तो क्या हो गया माइनस थ्री इक्वल टू टू को वन से किया वन, माइनस माइनस प्लस, तो टू सी आ गया, तो सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास माइनस थ्री बाय टू, सी की वैल्यू क्या आई माइनस थ्री बाय टू। अब क्या करना है हमें, सिमिलरली किसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, सिमिलरली बाद में हमको लाना तो यही था तो मैं यही लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, कुछ भी लिख लीजिए आप क्योंकि ये किसके बराबर है, इसके बराबर ये है, तो ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन ओवर में वाई प्लस टू, वाई किसके बराबर है एक्स स्क्वायर, तो वाई की जगह क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू में टू आ जाएगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है टू वाई प्लस थ्री, वाई किसके बराबर है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, प्लस सिमिलरली सी की वैल्यू क्या है माइनस, माइनस आ गया थ्री टू वाई, वाई किसके बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये हो गया आपका सवाल, ध्यान से देख लीजिए। यहां तक जो हम सवाल कर रहे थे ये क्या था हमारे पास, जब हमारे पास डेनोमिनेटर क्या था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, मतलब जो डेनोमिनेटर में हमारा लीनियर फैक्टर था वो रिपीट नहीं हो रहा था। अब जो केस करेंगे उसमें हमारा जो केस होगा डेनोमिनेटर का फैक्टर होगा वो हमेशा क्या होगा उसका लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा होगा उसमें, तो उस टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, जहां पे डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में जो लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो रहा है, तो पहला क्वेश्चन टाइप सेकेंड, इसका ए बी सी बहुत सारे पार्ट आएंगे तो पहला पार्ट देखते हैं इसका, पहला है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन का होल क्यूब, आप कहेंगे दोनों तो अलग है, अलग तो है लेकिन एक्स प्लस वन का होल क्यूब है, मतलब यहाँ पे जो इसका फैक्टर है लीनियर फैक्टर जो बनेगा वो रिपीट हो रहा, कैसे देखिए एक्स प्लस वन का होल क्यूब कैसे आता है, पहले एक्स प्लस वन आया होगा फिर x प्लस वन का होल स्क्वायर आया होगा फिर x प्लस वन का होल क्यूब, तो लीनियर फैक्टर क्या हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं ना इस तरीके से, इसी को बोलते हैं हम ओपन करना और यही है सवाल करने का इसका तरीका। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे फॉर्म में लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के a ओवर में क्या हो जाएगा x माइनस वन प्लस बी ओवर में, इसको क्या करेंगे शुरुआत से लिखेंगे वन से, जितना ज्यादा पावर होगा उतनी बार लिखेंगे वन से चालू करके, अगर यहाँ पावर चार होगा तो चार तक, पांच होगा तो पांच तक, छह होगा तो छह तक, पर आपको मैक्सिमम तीन तक ही आएगा पेपर में।
तो पहले इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वन, फिर b c, c के नीचे x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस d के नीचे में x प्लस वन का होल क्यूब। यही अगर पावर फोर होता तो क्यूब तो आता, उसके बाद e अपॉन में x प्लस वन की होल पावर फोर हो जाती। तो अभी तक सिर्फ इतना ही खोलेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर मैक्सिमम कितनी है, क्यूब है। ठीक है, मैक्सिमम पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए इसमें हमेशा रिमेम्बर रखना होगा, एलसीएम इनमें से नहीं लेगा। एलसीएम क्या होगा, ये जो हमारा एलएचएस है, एलएचएस का जो डेनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का जो डेनोमिनेटर होगा उसको एलसीएम मान के चलना है हमेशा। किसको, लेफ्ट हैंड साइड के डेनोमिनेटर को एलसीएम मान के चलना है। ये इस क्वेश्चन का ट्रिक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ आगे करते हैं सवाल को, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन का होल क्यूब इक्वल टू में ए ओवर में, यहां देखेंगे एलसीएम लिया, x माइनस वन तो है, क्या नहीं है, x प्लस वन, तो x प्लस वन का होल क्यूब यह तो आ जाएगा, प्लस b इंटू में, यहां देखिए x प्लस वन है, यहां x प्लस वन का होल क्यूब है। कितना पावर और चाहिए जो यहां x प्लस वन का होल क्यूब, यहां वन है तो वन में कितना ऐड करेंगे, टू, तो यहां पावर x प्लस वन का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इंटू में x माइनस वन तो है ही नहीं तो x माइनस वन, प्लस c इंटू में यहां स्क्वायर है तो x प्लस वन का स्क्वायर है। क्यूब बनाने के लिए कितना पावर चाहिए, वन, मतलब x प्लस वन, और x माइनस वन तो है ही नहीं तो x माइनस वन, ये हो गया। सिमिलरली d के नीचे क्या है, x प्लस वन का होल क्यूब है ही, हमें क्या चाहिए, बस x माइनस वन। नीचे सिमिलरली लिख दूंगा मैं x माइनस वन और x प्लस वन का होल क्यूब। किसको कंपेयर करना है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर को, तो मैं डेनोमिनेटर रफ कर देता हूं। यहां पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में, अब आगे सॉल्व करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि कैसे करना है। यहां पे एक बात होगी कि इन जैसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, दोनों तरीके से करना होता है, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करना होता है इन जैसे क्वेश्चन में और कंपेयर भी करना होता है। अगर आपको कंफ्यूज ना होना हो तो सबसे पहले वैल्यू पुट करके किसी ना किसी दो ए या बी या सी या डी की वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब जो भी आए उसकी कोफिशियंट को कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखने की बात होगी कि किस किस की वैल्यू निकलेगी, किस किस की वैल्यू निकलेगी, उसके लिए हमें क्या देखना होगा, दो को तीन को जो भी है, जैसे ए की वैल्यू निकालनी है तो बी सी और डी को क्या बनाना होगा, जीरो। जीरो बनाने के लिए इसमें लीनियर फैक्टर को क्या देखना होगा, कॉमन देखना होगा। कॉमन देखने के लिए हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे तो बी सी डी इनमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, लेकिन इसमें एक्स माइनस वन नहीं है तो इन तीन में कॉमन आ गया तो ए की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर निकाल सकते हैं। कैसे, पुट एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि जैसे ही मैं यहां वन पुट करूंगा ये पूरा जीरो, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या पुट करी, वन, वन का स्क्वायर इक्वल टू ए, वन प्लस वन का होल क्यूब प्लस बी इंटू में, यहां तो वन आ जाएगा, वन प्लस वन का होल स्क्वायर, पर डायरेक्ट यहाँ वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरा जीरो, यहाँ पे भी वन माइनस वन जीरो, यहाँ वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया। मैं इसे रफ कर देता हूं, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तीन जीरो हो गए। अब वैल्यू वन इक्वल टू वन प्लस वन टू, टू का होल क्यूब, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू जा एट, एट ए आ जाएगा हमारे पास, वन और वन टू, टू का होल क्यूब एट, एट ए, तो यहां मल्टीप्लाई में तो ए की वैल्यू वन बाय एट, यहां लिख देता हूं मैं ए इक्वल टू वन बाय एट। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होगी, बी की, बी के लिए ए सी और डी को कॉमन बना होगा, लेकिन ए सी डी में हमारे पास क्या कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, सी की वैल्यू, सी को बनाना है, सी की वैल्यू निकालनी है, डी बी ए कुछ कॉमन है, एक्स माइनस वन नहीं,
सी की वैल्यू भी निकल सकती है। D के लिए इनमें कॉमन x+1 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 हाँ निकल सकती है। क्या निकल सकती है? D की वैल्यू निकल सकती है। कैसे? पुट x इक्वल टू क्या पुट करना होगा? x+1 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 इसमें नहीं है तो ये तीन जीरो बन गए, D की वैल्यू निकल सकती है। x की वैल्यू -1 पुट कर दूंगा तो यहाँ -1 का होल स्क्वायर ये पूरा जीरो, क्योंकि -1 + 1 जीरो, जीरो का होल क्यूब जीरो, जीरो से किसी को भी करूंगा पूरा जीरो। सिमिलरली यहाँ -1 + 1 पूरा जीरो, -1 + 1 पूरा जीरो, पर यहाँ अगर -1 डालूंगा तो वह एड हो जाएगा। देखिए कैसे, डी -1 और -1 पहले से ही है तो -1 किसी भी संख्या का अगर वो माइनस में है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पॉजिटिव। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 - 1 क्या हो जाएगा? -1 + लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही आता है तो ये बन जाएगा -2 और -2 को डी से करेंगे तो -2d, तो डी की वैल्यू कितनी निकली? -1/2 तो डी की वैल्यू कितनी निकली? -1/2। अब हमें क्या करना होगा, बी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कंपेयर करने के लिए हमें क्या देखना होगा, क्यूब किस किस में आ रहा है। सबसे पहले देखिए बी और ए में क्यूब आ रहा है। अब मैंने बी और ए क्यों लिया, क्योंकि मेरे पास ए की वैल्यू तो निकल चुकी है, बी की वैल्यू निकालनी है और इसमें दोनों में एक्स क्यूब आ रहा है तो मैं एक्स क्यूब के कोफिशियंट को क्या कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ। कैसे? देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² सिमिलरली तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा ना, और एक्स क्यूब को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए एक्स क्यूब हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स क्यूब। सिमिलरली ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो x² + 1 + 2x हो जाएगा, और दोबारा इस पूरे को मल्टीप्लाई किससे करूंगा, x-1 से, और जब ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा और पूरा क्या आएगा, स्क्वायर वाला पोर्शन आएगा, तो मुझे स्क्वायर को लेना ही नहीं है, क्यूब को लेना है। और जब b इस एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, bx³ बनेगा। इतना समझ में आ गया? और यहाँ पे तो एक्स क्यूब है ही नहीं तो यहाँ क्या आएगा, जीरो। यहाँ x³ y³ कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पे भी जीरो है, तो जीरो इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस बी, दोनों में से x³ कॉमन निकाल लेंगे ना। देखिए जीरो इक्वल टू x³ a + b, यहाँ इसके साथ गया डिवाइड में, जीरो बन गया ना। अब a की वैल्यू क्या निकल गई, a = -b, और a की वैल्यू कितनी थी, a इक्वल टू कितना थी हमारे पास, -b, तो a की वैल्यू क्या निकली हमारे पास, 1/8 1/8 = -b, ये माइनस इधर आ गया तो -1/8 = b, तो b की वैल्यू कितनी निकली, -1/8। ये समझ में आ गया आप लोगों को? अब किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू। c की वैल्यू किससे निकाल सकते हैं हम, सिमिलरली यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म से निकाल सकते हैं। कैसे आप कहेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म से कैसे निकाल सकते हैं भाई? देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a² - b² तो यहाँ c = x² - 1 होल स्क्वायर सिमिलरली प्लस d = x - 1 हुआ। यहाँ सिमिलरली देखिए कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ समझ में आएगा आपको, 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 को कितनी भी 1 मल्टीप्लाई कर लो वो तो 1 ही रहेगा, तो मैं यहाँ 1² को क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। c को इससे मल्टीप्लाई करूंगा -c और d को -1 से करूंगा -d, इनके साथ ना x कुछ भी नहीं है, ये क्या बन गए, कॉन्स्टेंट टर्म। क्या बन गए, कॉन्स्टेंट टर्म बन गए। अब कॉन्स्टेंट टर्म इधर भी नहीं है लेकिन हमारे पास d की वैल्यू पहले ही आ चुकी है तो मैं यहाँ c की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो 0 = यहाँ क्या आ जाएगा, कंपेयर कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर, एग्जाम में आपको लिखना होगा कंपेयर कॉन्स्टेंट टर्म। इससे प्रीवियस मैंने किसको कंपेयर करा था, कंपेयर एक्स क्यूब, कंपेयर कॉन्स्टेंट टर्म, कंपेयर कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ कंपेयर कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म क्या क्या है, -c - d, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना होगा
सिर्फ सी और डी को तो मैंने आपको ब्रीफली समझाया, लेकिन ए और बी में भी कॉन्स्टेंट टर्म निकलेंगे, ठीक है। तो ए में कैसे निकलेगा ये भी ध्यान दे लीजिए, जब ए प्लस बी का होल क्यूब करते हैं तो ए क्यूब बी क्यूब आएगा ना, बी क्या है हमारे पास वन, वन का होल क्यूब। सो यहाँ ऐसे देख लीजिए आप दोबारा से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो बी क्या है मेरे पास वन, तो वन का होल क्यूब इधर एक्स का होल क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस थ्री वन का स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ सिर्फ सम में एक्स एक्स है तो, लेकिन एक अकेला है और एक को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो वो एक ही रहता है। तो मैं एक ए को जब एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा ना, तो मेरे पास कॉन्स्टेंट टर्म ए में भी बन गया। अब कॉन्स्टेंट टर्म किस में बाकी रह गया, बी में बनाना, बी में भी बनेगा, किस में भी बनेगा, बी में भी बनेगा। बी में कैसे बनेगा, माइनस का बी बनेगा हमारे पास, देखिए कैसे बनेगा। यहां पे जब माइनस वन से इसको करूंगा, यहां देखिए बी, ध्यान से देखिएगा बाद में आप कंफ्यूज हो सकते हैं पेपर में, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्स का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और वन को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो वो हमेशा वन ही रहेगा, माइनस सॉरी प्लस टू ए बी, टू क्या है हमारे पास टू, ए क्या है एक्स, बी क्या है वन, वन को मल्टीप्लाई करूंगा वो उतना ही रहेगा एक्स माइनस वन। इतना समझ में आ गया। अब जब मैं इस माइनस वन को इससे करूंगा तो वन से, तो क्या आ जाएगा बी इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो रहेगा ही। एक्स को इससे किया एक्स क्यूब, एक्स को इससे किया प्लस एक्स, एक्स को इससे किया माइनस टू एक्स स्क्वायर। इतना समझ आया, माइनस से वन से किया एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस वन से इस प्लस वन को किया माइनस वन, माइनस वन से प्लस टू को किया प्लस टू एक्स। समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ कॉन्स्टेंट कितने टर्म है आप देखिए, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें नहीं है, तो ये क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है ना, इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है हमारे पास, वेरिएबल नहीं है, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म। अब बी को इससे करूंगा तो माइनस बी, मेरे पास कॉन्स्टेंट टर्म क्या बन गया माइनस बी, ध्यान रखिएगा इसमें क्या बना माइनस बी। अब मैं क्या करूंगा कंपेयर कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ कंपेयर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं है जीरो, ए के साथ कॉन्स्टेंट क्या बना था ए, बी में क्या बना था माइनस बी, सी में क्या बन रहा है माइनस सी, डी में माइनस डी, माइनस सी माइनस डी। इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब आगे देखिए किस किस की वैल्यू हमारे पास है, ए की बी की और डी की, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है सी की। सी को क्या करता हूं इधर ले लेता हूं, सी इक्वल टू ए माइनस बी माइनस डी, सी इक्वल टू ए की वैल्यू वन बाय एट, बी की वैल्यू माइनस माइनस वन बाय एट, डी की वैल्यू माइनस माइनस वन बाय टू। समझ गए ना, ये माइनस तो रहेगा ही। आगे देखिए सी इक्वल टू वन बाय एट माइनस माइनस मल्टीप्लाई में वन बाय एट माइनस प्लस वन बाय टू। एलसीएम लेंगे, हमारे पास एलसीएम देख, यहाँ पे एलसीएम भी देख लीजिए कैसे है, एट एट और टू, सिंपली एलसीएम दे दिया ना। अब देख लीजिए एलसीएम, फिर आपको दिक्कत हो जाए, टू से किया टू फोर, फोर वन, टू 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 वन, टू वन वन वन, टू टू जा फोर टू जा एट, एलसीएम एट, एट के टेबल में एट कितने पे आता है वन पे, वन को वन से मल्टीप्लाई वन, एट के टेबल में एट वन पे, वन से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई वन, प्लस टू के टेबल में एट फोर पे, फोर से वन को मल्टीप्लाई करेंगे फोर, सी इक्वल टू फोर वन फाइव वन सिक्स सिक्स बाय एट। अब इसको क्या करेंगे टू से काट देता हूं, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, सी की वैल्यू थ्री बाय फोर। अब मेनली कुछ भी नहीं करना, किसमें पुट कर देना है इसमें, हमारे पास सवाल हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन का होल क्यूब इक्वल टू ए वन बाय एट एक्स माइनस वन, प्लस बी की वैल्यू माइनस, ये प्लस हट जाएगा, माइनस वन बाय एट एक्स प्लस वन, प्लस प्लस तो आएगा नहीं क्योंकि सी की वैल्यू प्लस थ्री ओवर फोर इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस
क्योंकि डी माइनस में तो माइनस वन बाय टू इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब। इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो कीप मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज आप लोगों को अगर होप समझ में आ रहा हो तो प्लीज गाइस कमेंट भी जरूर कर देना। थैंक यू।